जी दोस्तों, सलाम आदाब नमस्कार। देखिए, अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, अपनी फैमिली कुछ करने की चाहत रखते हैं, तो आपको हमारे टीम के साथ काम करना चाहिए। मुझे स्टाफ नहीं, एक भाई चाहिए जो परफेक्ट ग्रुप को अपना कंपनी समझे और अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए काम करे। ऐसे साथी बहुत कम मिल रहे हैं, नौकर तो बहुत मिल जा रहे हैं, लेकिन एक भाई जो अपनी कंपनी समझ के काम करे और कंपनी को बहुत आगे तक ले जाए, ठीक है, ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो अभी देखिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। मुझे जो है एक भाई चाहिए, एक नहीं कई भाइयों चाहिए, जो कि परफेक्ट ग्रुप को और ऊपर तक ले चला जाए। क्योंकि जितना अपनी कंपनी पुरानी हो रही है, जितने ज़्यादा कैंडिडेट आ रहे हैं, उतना ही ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ रही है, और ताकि कंपनी को ग्रो अप कर सकें। तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो तुरंत हमारे ऑफिस में आए। अभी मैं देखिए 18 तारीख को भले ही लास्ट डेट लिखा है, लेकिन जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो साथियों, एक कंप्यूटर ऑपरेटर कम टेलिंग कॉलिंग चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का मतलब आपको एक्सेल वगैरह जो भी है, जैसे हमारे पास वैकेंसियां आती हैं, तो जो हमारे यहाँ पासपोर्ट लोग जमा करके गए हैं, उनको बताना कि भैया यह कंपनी है, आपकी इतनी तनख्वाह है और ये सारी चीज़ें आप जाने के लिए एग्री हैं, तो उनको जो है एक्सेल पे फिट करके रखना, प्लस कंपनियों में डॉक्यूमेंट वगैरह भेज के इनका वीज़ा निकलवाना। एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम रहेगा, जिसकी सैलरी 8,000 से स्टार्टिंग है, मैक्सिमम 15,000 देंगे, फ्री फूड एंड रूम देंगे। अगर कंपनी के लिए कुछ बेहतर करते हैं ग्रो करने के लिए, तो 8,000-15,000 भूल जाइए। एज ए कंपनी में आप पार्टनरशिप रहेंगे, एक जो है कहा जाए तो एक कुछ परसेंटेज के आप मालिक रहेंगे। इस वीडियो को आप सेव करके रखिएगा, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर आपके अंदर सिर्फ ऐसे आप जो है स्टाफ समझ के काम कर रहे हैं, नौकरी कर समझ के काम कर रहे हैं, तब तो जो सैलरी है वही मिलता रहेगा। लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, जिससे कंपनी हमारी बूम कर जाती है, कंपनी आपके वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार दिला देती है, आगे बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली जो है 100% से और आप किस कंपनी में कुछ ना कुछ परसेंट के मालिक रहेंगे। दूसरा रिक्वायरमेंट है मार्केटिंग मैनेजर का। मार्केटिंग मैनेजर का मेन काम क्या रहेगा कि भैया कैंडिडेट तो हमारा लाइव देके सारे लोग आ जाने, लेकिन कंपनी अच्छी अच्छी कंपनियों का काम पकड़ना उनका मेन काम रहेगा, कि जो भी विदेश में कंपनियां हैं उनको मेल करना, उनसे जो है अपने कंपनी का प्रोफाइल भेजना, उनसे ISD कॉल करने के लिए भी आपको फोन दिया जाएगा, बात करना उनसे, अपने कंपनी के बारे में बताना, उनसे काम निकालना। अगर आप एज ए स्टाफ की तरह काम करेंगे तो हम आपको सैलरी 15,000 से 25,000 रुपये तक दे देंगे, लेकिन अगर आप अपना कंपनी समझ के काम करते हैं मेरे भाई, तो आपको पैसे के बारे में सोचना नहीं है। कंपनी जितना ज़्यादा फायदा होगा उसके उसमें आप पार्टनर रहेंगे, इस चीज़ को सबसे ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा सबसे अहम जो है, सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट मेरे पास है, वीडियो एडिटर कम सोशल मीडिया हैंडल। देखिए, मेरा परफेक्ट न्यूज़ चैनल है जो कि वीडियो एडिटर की वजह से चल नहीं पा रहा है, ठीक है। यह चैनल जो है मेरे साथी, सलाम आदाब नमस्कार, कबूल करिए आप, मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ। ये चैनल मैंने इसलिए डाला था कि जो बेसहाय लोग हैं, जिनका सरकार तक जिनकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, जिनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है, कहीं से उनके साथ गलत हो रहा है, तो अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनकी आवाज़ जो है, जो मेन अधिकारी हैं सरकार में लोग जो बैठे हैं, उनके तक पहुँचाएँ, ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। लेकिन वीडियो एडिटर के वजह से काम भैया गड़बड़ा जा रहा है पूरा। तो देखिए, यह जो है मेरा न्यूज चैनल है, और बहुत दिनों से जो है वीडियो वगैरह पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जो है बहुत ही देखिए 1,00,000 कुछ सब्सक्राइबर भी हैं, 1,20,000 सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात रखती है। और ये देखिए सारे वीडियो है, जिस कोरोना के पीरियड में आप जो है घर में बैठे थे, उसमें हॉस्पिटल में जाके लोगों के लिए इंसाफ दिलाया गया था, तो देख रहे हैं सिस्टम चाहिए तो इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, यह जो है इन लोगों की जी 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 4-5 घंटा नंबर देख रहे हैं। जिस समय आप कोरोना के पीरियड में थे, उस दिन आदमी जो है उस समय हॉस्पिटल में जाकर लोगों को इलाज करवा रहा था, और आज भी मैं करना चाहता हूं अच्छे से काम, जो भी ऐसे लोग उनके अपने जो भी हमसे मदद हो पाए हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि किसी को भी जिंदगी मिली है ना पैसा कमाने के लिए, या जो है आयस करने के लिए नहीं मिली, आप दूसरे इंसान का जितना ज्यादा आप मदद कर सकते हैं वही बेहतरीन। देख रहे हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, जाके लोगों का ऑक्सीजन दिलवाना, और जो है जब डिमांड बढ़ गया है तो पहले की तुलना में आप लोगों ने मैन पावर बढ़ा दिया है, तो ये सारे चीजें हैं, समझ रहे हैं दोस्त। तो जो है यहाँ तक कि जो नेताएं हैं जो अपना काम सही से नहीं करते हैं, हमारे वहाँ काफी दिनों उनसे सवाल पूछना कि अपने गांव में आप विकास क्यों नहीं कराए हैं,
आपके गांव में लोगों को शौचालय क्यों नहीं मिला है, समझ रहे हैं दोस्तों, है कि हमारे क्षेत्र में सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आइए इनसे बात करते हैं। तो इस तरह से बहुत से न्यूज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसके लिए जो है मुझे वीडियो एडिटर कम सोशल मीडिया हैंडलिंग चाहिए, जो परफेक्ट न्यूज को, परफेक्ट ग्रुप के वीडियो को, फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइबर बढ़ा सके, एक एक वीडियो को थंबनेल टैग लगा के वायरल करा सके ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो जो भी साथी काम करना चाहते हैं, देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कॉल करूं, मैं बैठ के आपका इंटरव्यू लूं। अगर आप रियल में चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके कल परसों आप ऑफिस पे आए। अगर लगता है कि नहीं, आपकी कंपनी आपके लिए कुछ, इस कंपनी के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर आपको ये लगता है अपने भविष्य, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ आए। ये नहीं कि आज आके इंटरव्यू दिए, सर हम 3 दिन बाद आके ज्वाइन करेंगे, नहीं। आपको लगता है कि नहीं हमारा इंटरव्यू आप फुलफिल कर सकते हैं, इंटरव्यू हमारा क्रैक कर सकते हैं, आप परफेक्ट ग्रुप के लायक हैं और आपके लायक परफेक्ट ग्रुप है, तो बिना सोचे समझे आ जाइए। आपका रहना खाना जो भी चीजें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ है, आप आइए एक दो दिन रहिए, देखिए समझिए, आपको लगता है कि नहीं आपके लिए बेहतर है, फ्यूचर बन सकता है आपका, इस कंपनी के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली उसी दिन से आप ज्वाइन कर दीजिए। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप आएंगे इंटरव्यू देंगे फिर 2-4-10 दिन के बाद आके ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम आपका 5-10 दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं मेरे भाइयों। और कोई साथी हैं जो बात करना चाहते हैं तो वीडियो के एक बार शेयर करें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, यही रिक्वायरमेंट है। लास्ट डेट 18 जनवरी तक डाला गया है, तकरीबन आज से जो है आज 14 कथा खत्म ही हो गया, 3 दिन का टाइम है। जो भी साथी आते हैं उनका स्वागत है, उनके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। और मुझे, मैं क्लियर बता दूं, मुझे स्टाफ नहीं चाहिए, नौकर नहीं चाहिए, मुझे एक भाई चाहिए जो इस कंपनी को बुलंदियों तक ले जा सके, ठीक है। उसको पूरी आज़ादी है कंपनी के बेहतरी के लिए, कंपनी के भलाई के लिए, यहाँ तक कि जो कैंडिडेट मेन जो लोग हमारे आते हैं वीजा निकलवा के, उनके बेहतरी के लिए जितना हो सके उतना बेहतर काम करें, अच्छे से जो है उनका वीजा निकलवाएं। अगला जा रहा है तो कंपनी में जाने के बाद ही हमको याद रखे, नहीं कंपनी जाने के बाद हमको गाली दे रहा है, भैया हमको फंसा दिए, समझ रहे हैं, इस चीज का ध्यान दीजिए। 3 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर कम टेलीकॉलर, मार्केटिंग मैनेजर, वीडियो एडिटर कम सोशल मीडिया हैंडलर, ठीक है। यह 3 है, तीनों के सैलरी साफ लिखा गया है, लेकिन सैलरी को भूल जाइए। अगर आप अपना काम समझ के ईमानदारी से कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि आप यहाँ पर कितना कमा सकते हैं, ठीक है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आप फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 8-8 साल से जुड़े हुए हैं और आज बहुत ही अच्छे मुकाम पे हैं और बहुत ही ईमानदारी से भी वो काम कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कभी कभी वो लोग खाना भी जो है छोड़ देते हैं काम के आगे, मुझे आग डांटना पड़ता है कि भाई साहब जो है खाना खा लिया करिए। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, आप सोच लीजिए खाना कौन भूलता है जो जिम्मेदारी को समझता है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। और बाकी असगर भाई के हमारे अंडर में काम करना होगा, कहो असगर भाई काम क्या करना रहेगा आपके अंडर में जो लोग काम करेंगे एक बार बताइए, सुन रहे हैं ताकि वैसे ही लोग आए इंटरव्यू देने के लिए, बताइए। काम यही रहेगा, कॉल करना रहेगा, जो भी रिक्वायरमेंट्स आएंगे उसको फिलअप करना रहेगा, कॉल करना रहेगा, उस पर एक्सेल पे काम करना होगा, रिक्वायरमेंट अगले को समझाना रहेगा, ये नहीं कि अगला भोजपुरी समझ रहा है आप अंग्रेजी में उसे फारसी में बतिया रहे हैं, गलत कुछ समझ में नहीं आया, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, उसको समझाना होगा भैया तुम्हारे इतना तनख्वाह ही रही हाई कंपनी बा, गलत कहने से इतना पैसा भरे के बाद जाए करते रेडी बाट तो तुम्हारे कंपनी में डॉक्यूमेंट भेजा जाता, बाद में कैंसिल ना हो पाए। हमारे यहाँ दिक्कत ये भी है कि अप्लाई हो जाता कुछ दिन बाद आदमी कहता नहीं जाना है, इसका मतलब हमारी बात समझ नहीं पाया होगा। जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो एक एक चीज कैंडिडेट को बताना रहता है, समझाना रहा। यही टेबल है, ये इसी टेबल बैठेंगे की इसी बैठेंगे ना, तो देखिए भाई साहब टेबल खाली है और भी एक बीच में टेबल लगेगा, ये भी टेबल खाली है, बाकी विकास जी हैं और इनका भी देखिए पोस्ट खाली ही होगी, आप ही जा ही रहे हैं। ये देखिए फोन उठाते थे भाई साहब, सबसे अच्छी बात है ये फोन इतना ईमानदारी से उठाते थे, जो भी लोग फोन करते थे सारे लोगों को उठाना और वीजा चेक इन करने के लिए भी यही डॉक्यूमेंट वगैरह रिसीव करते थे, फिर फॉरवर्ड आगे करते थे, फिर सूचना आती थी। आपका कहाँ वीजा निकल गया? मेरा सऊदी के लिए। सऊदी के लिए आपका नहीं बताना चाह रहे हैं? सऊदी के लिए जो है जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे पोस्ट में जा रहे हैं, एक कंपनी है इलाइट ग्रुप जिसका मैनेजमेंट में जा रहे हैं, सैलरी भी आपका 2500
2500 रियाल। कितना दिन आप काम किया परफेक्ट ग्रुप में? यहाँ पे मैंने 4-5 महीने काम किया है। 4-5 महीने में आप विदेश? नहीं, मैं वेट कर रहा था कि कोई अच्छा सा पोस्ट मिले। आप शुरू में यही सोच के आए थे विदेशी जाना है कि यहाँ काम करना है? नहीं, मैं सोच के आया था कि यहाँ पे काम भी करना है और मैं यहाँ से देखता रहूंगा कि मतलब कोई अच्छा सा पोस्ट मिल जाए कहीं विदेश में। बढ़िया, तो बढ़िया। वैसे तो मुझे बहुत ऑफर मिला लेकिन वो सब समझ में नहीं आ रहा था, अभी अच्छा पोस्ट मिला है तो इसलिए जा रहा हूँ। 5 महीने साथ छोड़ के निकल गए। तो साथी देखिएगा, ऐसे लोग आए जो कम से कम 1 साल टाइम दे सके, क्योंकि यही मोबाइल है आपके हाथ में दिया जाएगा। जो भी परफेक्ट ग्रुप को जानता है, फेसबुक से देखता है, वो इसी नंबर पे कॉल करेगा। देखिए, कॉल भी उठाइए, एक बार उठाइए ना, देखिए क्या पूछ। हेलो, नमस्कार जी, बताइए। उसका मेडिकल का इन्फॉर्मेशन आपको थोड़े दिन में मिल जाएगा। ये भी उपरांत कन्फर्मेशन मिल जाएगा कंपनियां से, मतलब मेडिकल हो जाए, ज्वाइन हो तब दिक्कत हो जाए ना। वो जल्दी नहीं, जल्दी शैतान का काम होता है। चलिए 2-3 दिन गाँव रहो, दीजिए मौका, ठीक है? आप ऑपरेटर में थे क्या? कहाँ का लाइसेंस है आपका? क्या ट्रेड था आपका? हैवी ड्राइवर। हाँ, लाइसेंस कहाँ का? सऊदी का। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ आदमियों का मेडिकल करा के भेजा है, उन लोगों का वीजा निकल जाए फिर आपका करवाएंगे भैया, समझ रहे? क्योंकि गमका मेडिकल 5-6 हजार रूपए आता है, तो बहुत सोच समझ के हम लोग करवा रहे हैं। बाकी नौसाद भाई कहाँ गए? अरे वाले सर, आपका भी हो गया? क्या बात कर रहे हैं, इनका कहाँ वीजा निकला हो? सऊदी के लिए मेडिकल जा रहे हैं, प्लंबर में इंटरव्यू दिए थे, कंपनी का नाम। अच्छा, ठीक ठीक। एएसओसीसी। हाँ 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 हाँ। आपका कितने तारीख को इंटरव्यू था? 12 तारीख में आ गया। मुफा नंबर आपका? मेरा 4 तारीख का था, 3CC। 3CC का? तो इतना जल्दी क्यों चले आए आप? कल फोन किए थे तो बोला कि आओ मेडिकल के लिए, 3CC के लिए। हाँ। चलिए ठीक है, आपका कॉन्फर्मेशन आया होगा। 3CC में जो भी लोग लगाए हैं, समझ रहे हैं, कंपनी से वहाँ से लिस्ट आ रहा है, जिनका जिनका लिस्ट में नाम आ रहा है उनको उनको बोला जा रहा है, समझ रहे हैं ना? जिनका जिनका लिस्ट में नाम आ रहा है उन्हीं को बोला जा रहा है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है? जिसका कंपनी से नाम आएगा उसी को फोन जाएगा, जैसे आपके पास गया है। नौसाद भाई, आपके साथ भी एक आदमी चाहिए, बोलिए। लाइव देख रहे हैं, उसी तरह का आदमी आएगा आपके पास काम करने के लिए। जी जी। क्या क्या उनको मालूम होना चाहिए जो आपके पास रहे? मेरे पास जो आए उसको सबसे पहले एक्सेल का पूरा फुल नॉलेज होना चाहिए, और दूसरी बात के कैंडिडेट से अच्छे तरीके से बात कर सके, क्योंकि वीजा निकल जाने के बाद उससे सब चीज कराना होता है, पेमेंट वगैरह सब लेना होता है। हाँ, पेमेंट वगैरह सब लेना होता है, सारा चीज उसको मालूम रहना चाहिए। ये नहीं कि बस सिर्फ लिखने उखने के लिए आ जाए, कंप्यूटर चलाने ना आए, ऐसा आदमी नहीं आया। कंप्यूटर मस्ती है जी जी। भाई जो भी हमारे यहाँ काम करना चाहते हैं, जिसान भाई जुड़े हैं अभी, हाँ लाइव देख के आप आए थे? हाँ जी सर। आप आए थे और आपके दोस्त आए थे? जी सर। आपका हो गया, कैसा लग रहा है काम करके आपको? कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं? बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल रही है, लेकिन हम लोग सिखा नहीं सकते, हम लोग मास्टर आदमी ढूंढ रहे हैं जो हमको सिखाए। कौन है साथ भाई, समझ रहे हैं? नहीं, जो काम किया होगा वो मार्केट में 5-10 साल काम किया होता है, कि हम लोग उनसे सीखें। हर एक इंसान सिर्फ स्कूल में ही सीखना नहीं चाहता है, बाहर की दुनिया में आता है तो सिर्फ सीखना चाहता है, और बाहर की दुनिया में लोग सिखाने वाले नहीं मिलते। कहो, स्कूल में टीचर इतना ईमानदारी सिखाता है लेकिन कोई सीखता नहीं है, अब बाहर की दुनिया में कोई सिखाने वाला मिलेगा? आपको गाड़ी चलाना तभी किसी का तेल लगाना होगा तब सिखाएगा वो, स्कूल में लोग पीछे पड़ते हैं, ये सीखो ये सीखो ये सीखो। भैया आप कहाँ से आए हैं? बिहार से हैं, प्लंबर। अच्छा, आपका भी इन्हीं के साथ मेडिकल के लिए जा रहे हैं, तो सीखने वाला नहीं, हम लोग सिखाने वाला आदमी ढूंढ रहे हैं। आप लकी आदमी है, विकास जी आपको मौका दिए हैं, जान लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है कवर करके पूरा लगिए, ठीक है? बाकी ये भी चेयर खाली है दोस्तों, देख रहे हैं, ये भी चेयर खाली आप लोग के लिए, क्योंकि होता क्या है, बहुत से साथी परेशान होंगे कि यार स्टाफ को इनको ज्यादा जरूरत पड़ता क्यों है, तो मैं बता दूं यार स्टाफ काम करता है और उसको लगता है कि नहीं यार ये तो हमारे लिए बेहतर है, समझ रहे मेरी बात को, हमारे लिए बेहतर है। मान लीजिए साकिर भाई हैं, 5-6-7 महीना से काम कर रहे हैं ईमानदारी से, और उनको लगा कि नहीं यार इंडिया का 50-60 हजार रुपये तनख्वाह मिल रहा है तो लाओ अपना ही हम डाल दें और निकल जाएं विदेश। अगर आप कोई भी आदमी है हमारे पास रह रहा है, अगर उस आदमी को नहीं, हमको भी लगता है नहीं हमसे बेहतर फ्यूचर उसका विदेश में है, या जो कंपनियां हैं हमसे अच्छा फ्यूचर दे सकती हैं, तो सिंपल सी बात है, मैं भी मना नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है जाइए, जो भी हमसे हो पाएगा मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। तो इसी तरह होता है, स्टाफ आते हैं 5-6 महीना होता है फिर चले जाते हैं विदेश,
और अपना अच्छे फ्यूचर के लिए काम करते हैं, फिर उनके जगह खाली हो जाती है, फिर दूसरा कोई है वही विदेश चला गया। तो सारे स्टाफ लगभग लगभग 5-6-7 महीने 8 महीने 1 साल काम करते हैं जो टाइम, लेकिन सच्चाई यही है कि देखिए विदेश में आप कितना भी काम कर लेना, वापिस अपने घर अपने गांव अपने मुल्क अपने देश आना ही आना। विदेश में आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन जो उम्र है आपका, जो उम्र घर से अपने देश से बाहर निकल गया, उसकी कभी आप भरपाई नहीं कर पाएंगे। जो भी विदेश में, देखिए हम सच्चाई की बात करते हैं, जो भी विदेश में रहे ना, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए, अगर कहीं से मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए, विदेश में आदमी रह के पैसा कमा सकता है लेकिन जो इतना कीमती उम्र अपना गंवा रहा है ना, कभी हासिल नहीं कर पाएगा, कभी नहीं हासिल कर पाएगा। 2 साल के बाद अपने परिवार वालों से मिलेंगे, अपने माँ बाप से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, फैमिली से मिलेंगे, ऐसा पैसा अब क्या बताया जाए। मैं खुद विदेश भेजता हूँ लेकिन मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि लोग कुछ पैसों के लिए अपना देश अपना घर परिवार छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं। जान लीजिए, रियली बताऊँ, दिल से बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन हर एक आदमी के ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, अपनी उम्र को अपनी जिंदगी को कुर्बान करके अपने बच्चे अपने परिवार की फैमिली को बेहतर बनाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है बेचारा, हंसते हंसते चला जाता है जान लीजिए, अपने बारे में नहीं सोचता है। वो क्या सोच के जाता है, अपने घर के वालों के बारे में सोच के जाता है, हम चले जाएंगे 2 पैसा कमाएंगे तो यहाँ पे कम से कम अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छी तरह शादी ब्याह होगा, यही बेचारा सोच के चला जाता है। अगर कोई भी इंसान अपने बारे में सोच ले ना, अपने जिंदगी के बारे में सोच ले, यार जाऊंगा 2 साल के बाद 2-4 महीने की छुट्टी में आऊंगा, ऐसे 2-2 साल चक्कर लगाते लगाते मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा धीरे धीरे, भाई जो भी पैदा हुआ उसको तो मरना है, गलत बोल रहा हूं तो बोलिए, जिसको जो पैदा उसको तो आज नहीं कल मरना है, धीरे धीरे वो टाइम नजदीक आ जाएगा, फिर दुनिया से विदा हो जाएंगे, बेटा ही नहीं जान पाएगा बाप किसको कहते हैं, समझ रहे हैं, कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, जिसको सही लग रहा है इस वीडियो को शेयर करिए, बाकी इंतजार है जितना जल्दी हो सके इस पोस्ट के लिए अपना बोरिया बिस्तर सब ले होके आ जाइए, ठीक है, कपड़ा ले लीजिएगा और एक कंबल भी ले लीजिएगा, क्योंकि सर्दी ज्यादा है, बिस्तर तो है लेकिन उतना हैवी नहीं है, ठीक है, तो अपने हिसाब से देख के आइए, ठीक है, और कुछ लाने की जरूरत नहीं है आपको, और आके साथ में काम करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि अगर आप 5-6 महीने के लिए आ रहे हैं तो उतना कुछ मैं आपके लिए भी नहीं कर सकता हूँ, आप भी मेरे लिए उतना नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हैं तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, जो विदेश से 1000 गुना बेहतर होगा, 1000 गुना बेहतर होगा, क्योंकि आप विदेश में कुछ भी कर लो, लास्ट में आपको वापस अपने मुल्क आना है। आप कितने भी बड़े तोपखान हो जाओ, जो मर्जी हो जाओ, अब वहां पे सेटल नहीं हो सकते, वहां पे अपने परिवार के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, अब कुछ पैसा कमा के आपको वापस आना है, उस समय आपको गलती का एहसास होगा, जितना टाइम आपने विदेश में बिताया, जितना मेहनत आपने विदेश में किया, काश इंडिया में ही कहीं किए होते तो आपका परमानेंट हो जाता और अपने परिवार के साथ भी आप जो है खुशहाल रहते। ये चीजें रियलाइज होती है लेकिन लास्ट में रियलाइज होती है, जैसे हमारे पास कोई चीज है उसका हम कीमत नहीं समझते हैं, समझ रहे मेरी बात को, जो चीज है उसका कीमत नहीं समझ, आप घर गाय भैंस बात तो लड़कों को दूध बढ़िया नहीं लगा भैया, एकदम करछाई नहीं, जैसे गाय भैंस दूध दिया बंद के लिए, फिर उठावना जो पैसा खरीद के आए वो सबके दूध बढ़िया ले, लड़को पिए घरों के बचे तमु पिए, तो यही हाल है, जो अपने पास रहता है उसका आदमी कदर नहीं करता है और जो दूर चला जाता जो नहीं रहता उसका बड़ी इज्जत करता है। तो दोस्तों ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इस तरह से लोग मिले जो जिम्मेदारी अपना अच्छे से निभा सके। वीडियो एडिटर कम सोशल मीडिया हैंडल बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों।